वेलकम बैक टू एसके मॉनिकस एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन। एंड आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे दैट विल बी अबाउट माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपैरेटस है जिसने स्पेशल रिलेटिविटी की फाउंडेशंस को बेसिकली बिल्ड किया था, उसके बेस को बिल्ड किया था। सो एज वी नो हम लोग फिजिक्स में इसके सिग्निफिकेंस समझ सकते हैं। दिस अपैरेटस वॉज एक्चुअली क्रिएटेड बाई एल्बर्ट माइकलसन जो कि फर्स्ट अमेरिकन बने थे नोबेल प्राइज जीतने वाले साइंस के फील्ड में। सो व्हाट ही बेसिकली थॉट वाज कि माइकलसन्स अपैरेटस बेसिकली कुछ काइंड के मिरर्स के एक अपैरेटस है जिसे मूव करने के देयर विल बी कंसिस्टिंग सम काइंड ऑफ मूवेबल मिरर्स जिन्हें मूव करके एंड डिस्टेंस चेंज करके समहाउ कुछ काइंड के वेब्स की नंबर ऑफ अगर आप देखते हो यहाँ पे फ्रिंजेस जो कि फॉर्म कर सकते हैं ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ वेब्स वो डिफर करके समहाउ वी कैन मेजर वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द वेब। इट इज समथिंग लाइक दिस कि मान लो आपके पास यहाँ पे एक जैसे मिरर है, जैसे आपने बोल दिया मिरर M, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक मिरर हो गया मिरर M1, यहाँ पे आपके पास एक मिरर हो गया मिरर M2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो आपने एक लाइट का सोर्स ले लिया एंड ये लाइट का सोर्स से आप लाइट ड्रॉप कर रहे हो कहाँ पे इस मिरर M पे। तब जब ये लाइट एम पे ड्रॉप होगी वी नो कि जो रियल मिरर्स होते हैं इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ बेसिकली ऐसी चीजें जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं वो रिफ्रैक्ट भी करती हैं। यहाँ से आधी लाइट M2 तक बेसिकली रिफ्लेक्ट हो सकती है, आधी लाइट M1 तक ट्रांसमिट हो जाएगी। एंड इनफैक्ट इट इज नॉट नेसेसरी कि आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट होगी, बस व्हाट मैटर्स इज कि यहाँ पे से थोड़ी सी अमाउंट की लाइट M2 तक रिफ्लेक्ट हो जाएगी, थोड़ी सी M1 तक ट्रांसमिट हो जाएगी। When that happens, हमें पता है यहाँ पे M1 तक ये light transmit होगी, M2 तक ये वाली light reflect होगी। अब यहाँ पे जो mirror M2 है ना, ये actually में एक movable mirror होता है। Movable क्यों होता है? I'll tell you now. But first of all, जब ये M1 को strike करे, we know यहाँ से reflect होगी। M1 को strike करे, reflect होगी। फिर जाके M को फिर से strike करे। अब M को strike करेगी तो आधी light या फिर maybe in some amount यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी, आधे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से थोड़ी बहुत लाइट ट्रांसमिट भी हो गई, इसको थोड़ा काइंड का डॉटेड बना देते हैं एंड यहाँ से थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट भी हो गई। जब इसने M2 को स्ट्राइक किया तब हमें पता है कि यहाँ से सीधे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी फिर से M को स्ट्राइक करेगी। जब फिर से M को स्ट्राइक करेगी तो यहाँ से थोड़ी लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाकी लाइट यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगी। तो कुछ ऐसा हमारा सिस्टम बनता है। वी कैन एक्चुअली स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ दिस लाइट और व्हाटएवर वेव हम लोग यूज करें बाय ऑब्जर्विंग द फ्रिंजेस ओवर हियर जो कि डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स बनेंगे कहाँ पे। मान लो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अपनी आईज आपने यहाँ पे लगा ली। जब ये दोनों लाइट आएंगे M2 से बेसिकली जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, पहले M से रिफ्लेक्ट हुई, फिर M2 तक रिफ्लेक्ट हुई, फिर M2 से आने के बाद M से ट्रांसमिट हुई एंड ये वाली लाइट जिसने यहाँ से ट्रांसमिट M से ट्रांसमिट हुआ, M1 से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर M से बेसिकली स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, दोनों रेज आएंगी, ऑब्वियसली इंटरफेयर करेंगी एक दूसरे के साथ, इंटरफेरेंस होगा तो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे। यहाँ पे मिरर M2 मूवेबल है, इसे मूवेबल इसलिए रखा गया है कि जो पाथ डिफरेंस होता है दो वेब्स में, अगर पाथ डिफरेंस है तो उससे आप एक फेज डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो उन दोनों वेब्स में। जब फेज डिफरेंस क्रिएट करते हो तो डिपेंडिंग ऑन द फेज डिफरेंस ऑब्वियसली वो वेब कंस्ट्रक्टिवली या फिर डिस्ट्रक्टिवली या फिर पार्शियल कंस्ट्रक्टिवली या पार्शियल डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है। यहाँ पे इस मिरर M2 को मूवेबल हम लोग अगर ऐसा करते हैं तो मान लो हमारा जो सर्कुलर फ्रिंजेस यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, सेंटर पे अगर आपका एक डार्क स्पॉट है तो इसको आपने इतना मूव कराया कि ये डार्क स्पॉट ब्राइट हो गया, फिर इसको और मूव कराया कि फिर से डार्क हो जाए, आपने इतना मूव कराया। एंड हमें पता है कि अगर एक डार्क स्पॉट को ब्राइट करने फिर उसको फिर से डार्क करने तो कितना मूव कराना पड़ेगा, बाय हाफ अ वेवलेंथ। तो यहाँ से इस लाइट की इंपैक्ट वेवलेंथ पता चल गई, यू कैन सी ओवर हियर। बस हमें ऑब्जर्व करने की इसे कितना मूव करा रहे कि डार्क से ब्राइट, ब्राइट से डार्क हो जाए, वहां से वेवलेंथ की कैलकुलेशन हो गई ऑफ दिस लाइट। तो बेसिकली बहुत ही यूजफुल अपैरेटस होता है माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। इनफैक्ट एल्बर्ट माइकलसन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, फर्स्ट अमेरिकन टू विन नोबेल प्राइज इन साइंस फॉर हिज अपैरेटस, क्योंकि ये अपैरेटस सिर्फ ऐसे लाइट की वेवलेंथ या फिर ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं निकाल सकता है,
It basically led to the foundation of one of the most revolutionary ideas of physics, the special theory of relativity. कैसे? Special theory of relativity से roughly दो decades पहले Michelson ने Morley के साथ अपना Michelson-Morley experiment किया था. क्या करने के लिए? इथर की properties जानने के लिए, और rather इथर की properties जानने के लिए I wouldn't say अर्थ की स्पीड जानने के लिए, किस स्पीड से अर्थ इथर के थ्रू मूव करती है. इथर वॉज थॉट टू बी वो सब्सटेंस या फिर वो काइंड का सब्सटेंस आप मान सकते हो थ्रू आउट द यूनिवर्स जिससे लाइट प्रोपगेट करती है द वे साउंड एयर से प्रोपगेट करती है. सो ऑब्वियसली वी हैड नो फिजिकल एविडेंस ऑफ इथर एट दैट टाइम. तो इन्होंने क्या सोचा, मान लो ये पूरा अपैरेटस जा रहे आगे विद स्पीड यू, ये पूरा अपैरेटस आगे वेक्टर यू स्पीड से जा रहे, अगर This is the speed of Earth through ether. मतलब जिस स्पीड से अर्थ बेसिकली इथर के थ्रू मूव कर रही, तो ये पूरा अपैरेटस उसी स्पीड से मूव कर रहा. जब आपने यहाँ से लाइट ट्रांसमिट कराया तो आपको पता है कि लाइट यहाँ से ट्रांसमिट होगी, M1 को हिट करने के लिए ये c प्लस यू स्पीड से मूव करेगी इन क्लासिकल फिजिक्स, क्योंकि अभी तक रिलेटिविटी की फाउंडेशन नहीं होती. इन क्लासिकल फिजिक्स c प्लस यू से मूव करेगी, एंड यहाँ पे वापस आने में सिंस ये पूरा अपैरेटस आगे जा रहे विथ यू, स्पीड ऑफ अर्थ थ्रू इथर, स्पीड ऑफ दिस अपैरेटस थ्रू इथर, ये लाइट जाती है विद स्पीड c इन वैक्यूम, तो ये c माइनस u हो गया. यही क्लासिकल कंसेप्ट में ये हो गया c स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का अंडर रूट, उसी स्पीड से ऊपर उसी स्पीड से नीचे. फॉरगेट ऑल दीज रेज जो कि यहाँ पे पास की, हमें यहाँ का इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करना है. तो क्या करेंगे, यहाँ से ये एक सिंगल रे आई थी तो उतना ही ऑब्वियसली टाइम लगा, यहाँ पे सेपरेट हो गए इनटू टू रेज, इनका टाइम डिफरेंस निकालते हैं. अगर ये मेरी डिस्टेंस हो गए d2, ये डिस्टेंस जो कि ट्रैवल किया d1, जो कि इन द एंड हम लोग इक्वेटी करेंगे फॉर सिंपलिसिटी ऑफ कोर्स. तो अगर मैं देखता हूँ कि इसे m1 को स्ट्राइक करने के बाद इस रे को वापस m को स्ट्राइक करने में, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होगा, फेज डिफरेंस पूरा का पूरा ये d2 एंड d1 डिस्टेंस कवर करने में आ रहा है, इनफैक्ट 2d2 एंड 2d1, क्योंकि जा रहे हैं वापस आ रहे हैं. तो ये t1 कितना होगा, M1 तक जाने में रिफ्लेक्ट होने के वापस आने, तो पहले C प्लस U से गया, फिर C माइनस U से आई, सो इट इज D1 एंड ओवर में C प्लस U प्लस D1 ओवर C माइनस U, यही आ रहा है. तो इसे इंपैक्ट में D ओवर, मान लो D1 इक्वल्स D2 मैंने कर दिया, फॉर सिंपलिसिटी हम लोग इक्वल ले रहे हैं, तो इसे मैंने क्या लिख दिया, D ओवर C1 प्लस U प्लस में D ओवर C1 माइनस U, तो ये हो गया C स्क्वायर माइनस में यू का स्क्वेयर, यहाँ पे हो गया डी सी माइनस डी यू प्लस डी सी प्लस डी यू, तो ये हो गया टू डी सी, टू डी सी ओवर में सी स्क्वेयर माइनस का यू का स्क्वेयर. ठीक है, ये वैल्यू मिल गई ऑफ टी वन. अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज हम लोग करेंगे, टी टू निकालेंगे. अगर मुझे टी टू निकालें तो इसी स्पीड से ऊपर जा रही, इसी स्पीड से नीचे जा रही, उतना ही डिस्टेंस डी ट्रेवल करिए, तो ऑब्वियसली टाइम टी टू क्या होगा, 2d over में the under root of c square minus u square हो जाएगा. यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं कि c square minus u square है, यहाँ पे under root c square minus u square, इन टर्म्स को काइंड ऑफ सिमिलर कर सकते हैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स से, कि मैंने यहाँ पे c square कॉमन ले लिया, तो c से c कैंसिल हो गया, 2d by c टाइम्स में ये हो गया 1 by 1 minus u square by में c का square, 2d by c times 1 minus u square by c square common ले लिया, c से एक c cancel हो गया. वैसे यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग c common ले लेते हैं, so it is 2d by c times में हो गया 1 by the under root of 1 minus u square by c का square. ठीक है, अब मैं यहाँ पे basically क्या करने वाला हूँ, I will try calculating the time difference. यहाँ पे time difference कितना हुआ, क्योंकि अगर आप देखते हो जो अलग अलग डिस्टेंसेस बेसिकली ट्रैवल होता है उसकी वजह से लाइट में या फिर किसी भी वेव में एक फेज डिफरेंस आ जाता है, बट नॉट जस्ट बाय डिस्टेंसेस, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टेंस को इक्वल रखा है, यहाँ पे फेज डिफरेंस कैसे आएगा, इंटरफेरेंस क्यों डिफरेंटली होगी रादर देन जस्ट कंस्ट्रक्टिवली और जस्ट डिस्ट्रक्टिवली, इसलिए होगी क्योंकि टाइम भी अलग अलग लगा है. किसी भी वेव की इक्वेशन में अगर आप देखते हो, मान लो एक जनरल में वेव की इक्वेशन लिखता हूँ, तो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे एक माइनस फाइव भी आ जाते, तो फॉर द टू वेव्स ये जो डेल्टा फाइव होते हैं उसकी वजह से एक डिफरेंस आते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग इंटरफेरेंस होता है. लेकिन यहाँ पे टाइम का भी तो फैक्टर है, टाइम भी मैटर करता है, तो मैंने यहाँ पे डेल्टा टी कैलकुलेट कर लिया. ज्यादा टाइम क्या है, ज्यादा ऑब्वियसली अगर हम लोग देखते हैं, सो इट इज समथिंग लाइक टी वन माइनस में टी टू,
यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने की कोशिश करते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन किया तो डी बाई में सी, ये हो गया 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी का स्क्वायर टू द पावर माइनस 1। अब ये टू द पावर माइनस 1 है तो सिंस दिस इज द केस जहां पे यू बहुत ही छोटा होता है सी से, तो अगेन क्लासिकल फिजिक्स की अजम्पशन ले रहे हैं एंड इनफैक्ट ये मॉडर्न फिजिक्स में भी वेरी मच काम आएगा क्योंकि वी नो कि अर्थ के स्पीड थ्रू द इथर ऑब्वियसली उतनी ज्यादा नहीं हो सकती है देन द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू इथर और इन वैक्यूम। वैक्यूम अब बोलेंगे क्योंकि वी नो इथर डजंट एक्सिस्ट एट दैट टाइम, यू माइट से थ्रू इथर। तो ये तो क्लियरली बहुत छोटा है वन के कंपेरिजन में। तब हम लोगों ने क्या ले लिया, पावर माइनस वन को इधर ले लिया, ये हो गया वन प्लस में यू स्क्वेयर बाई में सी का स्क्वेयर, यही है। अब इसको मैंने लिख लिया 2d by में c, 1 plus u square by c का square, तो ये t1 minus t2, ये 2d by c, 1 plus u square by c का square है। माइनस में क्या हुआ, माइनस में यहाँ पे 2d by c है, इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा, इसे मैं अगेन 2d by c लिख सकता हूँ। दिस इज 1 minus u square by c square to the power minus 1 half। अब अगेन ये टर्म बहुत ही छोटा है 1 की कंपैरिजन में, अगर बहुत छोटा है वन के कंपैरिजन में, सो आई विल राइट इट एज ये वन हाफ इधर आ गया, इनफैक्ट माइनस वन हाफ है, तो ये जो वन माइनस हम लोग लिखेंगे दिस विल बी रिटन एज वन प्लस हाफ ऑफ वन माइनस यू स्क्वेयर बाय में सी का स्क्वेयर, ठीक है, यही हो। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो सो इट इज समथिंग लाइक दिस, हमें कुछ ऐसा टर्म मिला, उसके बाद वी कैन राइट दिस माइनस में टू डी बाई सी टाइम्स में हो गया वन प्लस हाफ 1 माइनस यू स्क्वेयर बाय में, वाई आर वी रिपीटिंग इट अगेन, यहाँ पे ओनली हाफ यू स्क्वेयर बाय में सी का स्क्वेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे 2d बाई सी है, ये 2d बाई सी है, ये टर्म क्लियरली ये वाला अंदर वाला कैंसिल हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट के बाहर वाला कैंसिल, इट डजेंट जस्ट फील राइट। ये हो गया 2d बाई सी यू स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर माइनस में 2d बाई सी हाफ यू स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है 2d बाई सी टाइम्स हाफ u square by c square, उसी टर्म का हाफ हो जाएगा, एनी टर्म माइनस हाफ ऑफ दैट टर्म इक्वल्स हाफ ऑफ दैट टर्म। यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमें फाइनल रिजल्ट मिल रहा है डी यू स्क्वेयर बाई में सी का क्यूब। दिस इज बेसिकली द टाइम डिफरेंस दोनों की अराइवल में एट m फॉर वंस अगेन, अगर अर्थ u स्पीड से इधर के थ्रू मूव करी एंड बोथ द डिस्टेंस आर इक्वल टू d एंड जो स्पीड ऑफ लाइट है इधर के थ्रू इट इज c, दैट इज द डिस्टेंस टाइम्स में स्पीड ऑफ अर्थ अर्थ थ्रू इथर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय मी स्पीड ऑफ लाइट थ्रू इथर क्यूब। बट द स्टोरी डजंट एंड हियर, हमें क्या चाहिए, ये जो डार्क से ब्राइट ब्राइट से डार्क फ्रिंजेस की बात की थी, यहाँ पे अगेन विल लुक एट द फ्रिंजेस कैसे शिफ्ट होता है इन द नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन दिस बेसिकली पर्टिकुलर थिंग, जब यहाँ पे इंटरफेरेंस होगी इस शिफ्ट का फॉर्मूला जो डिस्क्राइब किया जाता है इन द नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे ऑब्जर्व करोगे या फिर अपनी आईज से ऑब्जर्व करोगे, इट इज सेट टू बी इक्वल टू द डेल्टा फाई ओवर में टू पाई, ये डेल्टा फाई ओवर टू पाई के इक्वल होता है, दैट द फेज डिफरेंस ओवर में टू पाई, फेज डिफरेंस किसके इक्वल होता है टू ओमेगा डेल्टा टी के इक्वल, ओवर में टू पाई हो गया, ये टू से टू कैंसिल हो गया एंड देन यू हैव ओमेगा टाइम्स में डेल्टा टी वाला टर्म, यहाँ पे समथिंग लाइक डी यू स्क्वेयर ओवर में सी का क्यूब आपको अपीयर करता हुआ दिख रहा है, सो यू हैव डी यू स्क्वेयर ओवर में सी का क्यूब एंड देन यू हैव अ पाई ओवर हियर, यहाँ पे समथिंग लाइक ओमेगा भी आएगा। अब ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा बेसिकली क्या है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब अगर ये ओमेगा इस टर्म की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो इसे मैं टू पाई एफ कह सकता हूँ, यहाँ से ये टू से टू कैंसिल हो गया था, ठीक है। अब अगर ये 2 पाई एफ है तो मैंने पाई से ये वाला पाई कैंसिल कर दिया, अगर पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो गया सो आई कैन क्लियरली सी ओवर हियर ये जो मेरा टर्म हो रहा है इट इज 2 टाइम्स में f टाइम्स du स्क्वायर ओवर में c का क्यूब। इसको इट विल बी इनफैक्ट मच बेटर अगर इस चीज को ना फ्रीक्वेंसी नहीं वेवलेंथ के टर्म में, मेजोरिटी ऑफ केसेस में आप रिलेटिविटी में देखोगे चीजों को फ्रीक्वेंसी भी नहीं वेवलेंथ के टर्म्स में लिखा जाता है, तो इसे वेवलेंथ के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी इज द स्पीड डिवाइडेड बाय में, अगर आप देखते हो यहाँ पे दिस इज द स्पीड डिवाइडेड बाय में वेवलेंथ, तो इसे मैंने कर दिया 2 टाइम्स में सी हो जाएगा, सी से एक सी कैंसिल हो गया, डी यू स्क्वेयर ओवर लैम्डा सी स्क्वेयर, ये टर्म आपको मिल रहा है 2 डी यू स्क्वेयर ओवर लैम्डा सी स्क्वेयर।
तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस इन द चेंज इन द नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो कि आप यहाँ पे देखोगे। द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज जब ये एक्सपेरिमेंट करा गया तो आपको ये फॉर्मूला पता चल रहा है मैथमेटिकली, एक्सपेरिमेंटली ऐसा कुछ नहीं देखा गया। अब ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला ही गलत हो गया, हम लोगों ने ऐसा असम्पशन लिया, ऐसी फिजिक्स को वर्कआउट किया। अब ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो सकता है कि आपको डेल्टा एन की वैल्यू जीरो मिली। तो यहाँ पे अगर डेल्टा एन जीरो करते हो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से तो क्या मिल रहा है, डिस्टेंस तो जीरो है नहीं। ऐसा नहीं है कि सी इनफाइनाइट है डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट है, एक ही चीज जीरो हो सकती है। एंड देन यू कैन सी ओवर हियर द स्पीड ऑफ अर्थ थ्रू ईथर, ये जो टर्म आपको है अगर ये आपने यहाँ पे जीरो किया जो कि द ओनली पॉसिबल और प्लॉजिबल रीजन यहाँ पे मिल रहा है तभी आपकी डेल्टा एन जीरो हो सकती है। डज इट मीन कि अर्थ ईथर के थ्रू मूव ही नहीं करती है? ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि द क्लासिकल थ्योरी ऑफ फ्लैट अर्थ हैज बीन डीबंक्ड ऑलरेडी, मतलब इट वॉज ऑलरेडी समथिंग लाइक यहाँ ये 19th सेंचुरी चल रहा था, सो यू कैन नॉट से कि अर्थ यहाँ पे यूनिवर्स में स्टैटिक है एंड ऑल द सन्स एंड द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स आर गोइंग अराउंड द सन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईथर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तभी ऐसा हो सकता है कि अर्थ के स्पीड थ्रू ईथर जीरो है, दैट इज द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ से जो चेंज इन नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो कि ऑब्जर्व नहीं किया गया था कि कोई चेंज इन नंबर ऑफ फ्रिंजेस नहीं आ रहे, वैसे ही इंटरफेरेंस हो रही है अगर यहाँ पे ये यू जीरो भी होता। मतलब क्या है कि यहाँ पे लाइट सी स्पीड से ही जा रही है, सी स्पीड से ही वापस आ रही है, यहाँ पे लाइट सी स्पीड से ही ऊपर जा रही है, सी स्पीड से ही नीचे आ रही है, दैट इज वॉट दिस थियरी एक्चुअली एक्सप्लेन्स। तो यही किया गया था माइकलसन मोर ने एक्सपेरिमेंट, जिसको उस टाइम सोचा गया था मैनी फिजिसिस्ट जिनका पूरा करियर न्यूटनियन के फिजिक्स पे, न्यूटन के फिजिक्स पे डिपेंडेंट था। तो दे बेसिकली थॉट कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, देयर मस्ट बी सम एरर इन मेजरमेंट और इन द एक्सपेरिमेंटल अपैरेटस इटसेल्फ। लेकिन कुछ फिजिसिस्ट ने इस पे बिलीव किया एंड आइंस्टाइन हिमसेल्फ वर्कड ओवर इट, एंड आइंस्टाइन ने अपनी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दिया कि ईथर की कंसेप्ट की जरूरत नहीं होती। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर कि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इक्वल एम सी स्क्वेयर में सी स्क्वेयर क्यों होता है, या फिर ये जो यू स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर का फैक्टर होता है, ये गामा फैक्टर अगर आप स्पेशल रिलेटिविटी में देखते हो इसी डेरिवेशन के थ्रू, लाइक दिस इजंट एग्जैक्टली स्पेशल रिलेटिविटी का डेरिवेशन जैसे आइंस्टाइन ने डिराइव किया, बट इट इज समहाउ कनेक्टेड टू स्पेशल रिलेटिविटी जो कि रिजल्ट स्पेशल रिलेटिविटी से सिमिलर है। तो यहाँ पे जो रूट ऑफ सी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर है, हम लोगों ने यहाँ पे सी स्क्वेयर यहाँ पे कॉमन लिया था, यहाँ पे इनफैक्ट सी कॉमन लिया था, देन यू आर गेटिंग हियर यू स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, यहीं से ये स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वेयर की ओरिजिन है। एंड सिंस वी नो इक्वल्स एम सी स्क्वेयर, आइंस्टाइन के ही बेसिकली जो चेंज इन मास होता है उस ऑब्जेक्ट का रिलेटिविस्टिक मास वहीं से डराइव किया गया था, दैट इज द रीजन इक्वल्स एम सी स्क्वेयर में सी स्क्वेयर की अपियरेंस होती है। That was all for today and thanks to you all viewers.